हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपने अच्छे से होली इंजॉय की होगी। सो आज की ये जो मेरी वीडियो है ये कंटूरिंग से रिलेटेड है कि आप कैसे कंटूरिंग करें अपने फेस की। मैंने कंटूरिंग से रिलेटेड ये वीडियो बनाई है एंड आप देखें कि मैंने कैसे कंटूरिंग और कौन सी कंटूरिंग यूज़ की है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैंने कंटूरिंग यूज़ की, बट कौन सी कंटूरिंग यूज़ की है। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का फाउंडेशन है एंड ये फुल कवरेज 24 आवर्स, फुल कवरेज मतलब फुल कवरेज देगा फाउंडेशन, काफ़ी अच्छा वाला फाउंडेशन है एंड मैं इसको यूज़ करती हूँ। और आज मैं कुछ नए तरीके से यूज़ करूँगी। जस्ट मैं 1 ग्लास में वाटर लेके अपने ब्लेंडिंग को इसमें डाल के, पानी में ऑलरेडी ब्यूटी ब्लेंडर जाने के बाद इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है एंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाता है एंड इसका वाटर मैं पूरी तरह से क्रीज आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इस पर फाउंडेशन। आप ब्यूटी ब्लेंडर पे फाउंडेशन लगा के ही कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एंड डैप डैप करके जस्ट, हाथ से ज़्यादा ईजी मुझे ये यूनिक लगता है कि आपके हाथ पे भी नहीं लगता और अच्छे से आपका हो भी जाता है एंड अच्छे से फिर इसको अपर मोशन में आपने बिल्कुल मेरा क्लीन फेस देखा है। अब आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग काफी फुल कवरेज वाला है, वाकई काफी अच्छा फाउंडेशन है भी ये। ओके, आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने फेस पे अभी जस्ट फाउंडेशन ही अप्लाई किया है एंड उसकी ब्लेंडिंग भी मैंने कर ली है काफी अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे यूज करूंगी कंटूर। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा कंटूर यूज़ कर रही हूँ। कंटूर भी कई तरीके का आता है, यहाँ पे मैं 2 तरह का कंटूर मैं आपको दिखाऊंगी, एक ऐसा है एंड एक ऐसा है। बट जो ये मेरा कंटूर ये किस ब्यूटी कंटूर स्टिक में है और ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ये है ब्रश से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, LA कलर्स का हाईलाइटर एंड कंटूर है, दोनों में हाईलाइटर एंड कंटूर इसमें भी है एंड हाईलाइट एंड कंटूरिंग इसमें भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये कंटूर जस्सी गाइस आप देख सकते हैं ऐसे स्टिक में होता है। आई जस्ट शो यू बिकॉज आपको दो ऐसे मिल जाता है, एक तरफ से हाईलाइटर, एक तरफ से हाईलाइटर एंड एक तरफ से कंटूरिंग। मैं आज डार्क साइड से कंटूरिंग आपको करके दिखाऊंगी एंड ये बहुत इजीली आपको ऑनलाइन ऑन शॉप 200-250 के अराउंड मिल जाएगी, तो आप इसको ले सकते हैं। एंड कंटूरिंग मुझे लगता है फेस पे बहुत अच्छा मतलब एक अलग सा अपना लुक देती है। मैं अपना स्टार्ट करती हूँ कैसे कंटूरिंग करें और कौन कौन सी एरिया पे कंटूरिंग करें। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी एंड सेम ऐसे इधर भी जस्ट एक मतलब प्रॉपर किस जगह पे आपको करना है, यू कैन सी देख सकते हैं। एंड जस्ट मैं फोरहेड, किसी किसी का फोरहेड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, मेरा तो नहीं है, बट आप उसको भी कंटूर से मतलब छोटा कर सकते हैं एंड अच्छा काफ़ी शेप में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कंटूरिंग, और मैं डार्क साइड से कंटूर कर रही हूँ क्योंकि ब्रॉड फेस नहीं है, बट मेरा, मैं ब्रॉड फेस वालों के लिए भी बता रही हूँ, आप डार्क कलर से ही कंटूरिंग करें। और कंटूर जिनके पास नहीं है वो लिपस्टिक से भी कंटूरिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड अब मैं अपने इस एरिया पे करूँगी, वैसे मेरे डबल चिन नहीं है बट जिनके डबल चिन है वो भी हाइड कर सकते हैं इस कंटूरिंग से। मैं दे ऐसे जस्ट लेके जाना है ऊपर की ओर, या आप उधर से भी रख सकते हैं जस्ट नीचे लाते हुए। हो गया है एंड
मैं आप अच्छे से देख लीजिए मैंने कौन कौन से एरियाज पे कौन कौन अपने फेस एरिया पे कंटूरिंग लगाई है। जस्ट मैंने चिक के बीचों बीच में लगाई, ऊपर एंड नीचे के बीच से मैंने एक लाइन कंटूर के लिए की। जस्ट गले के लिए मैंने यहाँ पे अपनी बोन्स को हाईलाइट किया ताकि हमारे डबल चिन्स जिनके हो ना पता चले एक्चुअली मेरे नहीं है, एंड मेरा फोरहेड भी उतना बड़ा नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, जस्ट ऊपर को मतलब मैंने यहाँ पे कर लिया एंड इस साइड इतनी एरिया में मैंने कंटूरिंग को लगाई है। अब इसको ब्लेंड कैसे करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्लेंड करना बताती हूँ। ओके, ब्लेंड करने के लिए इसको मतलब आप ऊपर को ही ब्लेंड करें और बहुत इजीली अपर को करें, डैप डैप करके स्लो मोशन में करें बहुत ज्यादा, और बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप अपने ब्लेंडर को क्रीज आउट करके करेंगे तो काफी इजीली हो भी जाता है, आप देख सकते हैं। एंड सेम ऐसे भी इधर, सेम उसी तरीके से इधर भी रगड़ना नहीं है, एंड बहुत इजी सी अपर मोशन में देख सकते हैं। एंड अपने फोरहेड पे हमेशा ऊपर को करें। आप हमेशा करें ब्लेंडर को अपने क्रीज आउट करके वाटर से, वाटर में पहले डिप करें एंड क्रीज आउट करें, बट उसके बाद आप करें नेक्स्ट, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम करें कंटूरिंग वो ब्लेंडर को ब्लेंडर से ही करें एंड ब्लेंडर को डिप करके करें तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। सो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। एंड अब मैं अपने चिन एरियाज को भी करूँगी। सो चिन एरिया ऊपर को ही इसको आप करना है एंड डैब डैब के साथ करना है, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। आपको देखना है आपके किस एरिया में लगा है, किस एरिया पे लगा है, एंड साथ साथ आप उसको भी मतलब उसी तरह कवर करें। सो मेरा हो गया है, आप अंदर देख सकते हैं डिफरेंस मेरे फेस का। ये चीज़ पहले नहीं बन के आ रही थी और अब जस्ट कंटूरिंग के बाद ये आपको पता चल रहा होगा साफ, एंड ये चीज़ एकदम हाईलाइट हो जाती। नेक्स्ट मैं उसी स्टिक से अपनी आईज को कंसील करूंगी। एंड अपनी नोज पे हल्का से अपने एंड अपने चीन एरिया को मैं नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट मतलब इधर से मैंने डार्क कंटूरिंग की, सो मैं कर नहीं सकती हूँ। सो इसको मैं पलट दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के इस साइज से, मैं इसको करूंगी ब्लेंडिंग अपनी, और बहुत इजीली हो जाएगा। आप ऊपर भी कर सकते हैं, बट मैंने ऊपर नहीं किया है आईज के क्योंकि मुझे कोई और मेकअप करना नहीं था। आप पार्टी वगैरह में अगर जा रहे हैं तो आप ऊपर भी करके अच्छे से आइज की ब्लेंडिंग कर लें। ओके, मैं सेम जस्ट ब्लेंडर को ऐसे अपने आइज के अराउंड भी घुमा लूंगी एंड नोज पे भी। ओके, फोरहेड पे भी हमारा हो गया, फोरहेड के अराउंड भी मैंने कर लिया, एंड फेस पे भी हो गया, एंड नोज पे भी मैंने कर लिया, एंड कंसीलर से मैंने अपने आईज के डार्क सर्कल को भी हाइड कर लिया है। नेक्स्ट मेरा क्या है वो आप देखिए, मैंने नोज की कंटूरिंग अभी तक नहीं की है। नोज कंटूरिंग करने का सबसे सही तरीका है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पतला बनाना, कितना शार्प करना चाहते हैं। मुझे वैसे कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है बट मैं फिर भी करती हूँ कंटूरिंग। आप देख सकते हैं पूरा शेप एक कंटूरिंग का बन चुका है।
मैं यहाँ पे इस कंटूरिंग को ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप चाहें तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, बट मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, मुझे आपको दिखाना था सो मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। अभी मैंने ब्रश से ब्लेंडिंग कर ली है अच्छे से, न उसकी कंटूरिंग की आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है आपको किससे करना है। ब्रश से इजी पड़े तो आप ब्रश से कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आपको यूज़ी पड़ा तो आप उससे भी कर सकते हैं। आपको जैसा ही मतलब लगे आप अपने अकॉर्डिंग वैसा कर सकते हैं। ओके यू कैन सी गाइस माय फेस, मेरा फेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफाइन लग रहा है एंड कितनी परफेक्टली मैंने की है चीज़ों को, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। ओके अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो वो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।